हेलो दोस्तों, तो दिवाली आ रही है तो हमने सोचा क्यों नहीं छोटा सा ब्लॉग बना दिया जाए दिवाली को लेकर, क्योंकि दिवाली आते ही स्टार्ट हो जाती है बहुत सारी साफ सफाई और इसमें जो छोटी छोटी ड्रॉज होते हैं ना उनकी सफाई रखना और उनका छोटा छोटा सामान रखना अक्सर थोड़ा मुश्किल का काम होता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी ही एक ऐसी ड्रॉज जिसपे हमने छोटी छोटी चीजों को कैसे मैनेज किया है। तो चलते हैं और आपको ये अच्छा लगे एंड साथ में इसमें हमने कोई भी बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर यूज नहीं किए हैं, जो भी हमारे पास घर पर ही अक्सर रहता है वही सब हमने यूज किया है। सो आपके ऐसे कमेंट आते हैं कि आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स पे आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है या जो भी है, तो आप घर पर ही पड़े हुए सामान से कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको लेकर है ये वीडियो। सो चलते हैं एंड ये वाला जो वीडियो है ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही है। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है हमारा ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल को मैनेज करना आज के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं मानती हूँ कि एक टाइम पहले ड्रेसिंग टेबल मैनेज करना इतना कुछ खास काम नहीं होता था, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीजें होती थी। लेकिन यदि आपके घर में बच्चे भी हैं तो आपने देखा होगा ड्रेसिंग टेबल को मैनेज करना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि आजकल बच्चों की एक्सेसरीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं और जो छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं उन्हें भी मुश्किल करना मैनेज करना मुश्किल होता है। तो देखो ये है हमारा बहुत ही छोटा सा, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा सा स्पेस है। ये हमारा मिरर है इसी के जस्ट बगल में और यहाँ पर केवल एक ही ड्रॉस है। सो यहाँ पर ये जो तीन रैक हैं इसमें से हमने ये दो रैक पर कुछ इस तरह से ये वाले बास्केट अरेंज किए हुए हैं। तो यहाँ हमने बास्केट में क्या रखा हुआ है ये मैं आपको एक छोटे से शॉर्टकट में बता देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या है आपके पास जो है वो आप कैसे अरेंज कर सकते हैं यदि आप इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं। और यदि आपके पास फ्लैट वाला ड्रेसिंग टेबल है तो आप उस पर की कुछ बास्केट्स रखकर या फिर जो सेक्शन वाले बास्केट आते हैं जिसमें थ्री और फोर सेक्शन होते हैं उसमें भी आप रख सकते हैं। सो लेट्स तो सबसे पहले ये ऊपर के दो बास्केट दिखाते हैं इसमें क्या है। तो ये जो पहला बास्केट है हमारा इसमें मैं अपने स्किन केयर का और डेली का जो हमारा कहीं आपको सडनली जाना है लिपस्टिक चाहिए बिंदी चाहिए या फिर फेस पाउडर चाहिए तो ये इस तरह से रखा हुआ है। ये सनस्क्रीन रखा हुआ है, ये डेली का आपका लोशन रखा हुआ है एंड यहाँ पर एक छोटा सा सीजर भी है, कुछ क्रीम्स हैं, पाउडर है, तो ये सब है इसमें ठीक है। और ये मैंने ऊपर इसलिए रखा हुआ है थोड़ी ऊंचाई पे क्योंकि हमारे घर पर एक छोटा बच्चा है जो मेकअप को सारा बेकार कर देता है फटाफट से लिपस्टिक वगैरह तोड़। तो दिखाते हैं ये सेकंड रैक पर क्या रखा हुआ है। आपको जैसे कि पता होगा मैं बहुत ज्यादा डीआईवाई करती हूँ, तो डीआईवाई के कुछ ऑयल्स हैं जैसे कि यहाँ पर ऑलिव ऑयल और ये सब आलमंड ऑयल एंड इसेंशियल ऑयल है। यहाँ पर कुछ नेल पेंट्स भी के साथ यहाँ पर हेयर स्टाइलिंग की भी कुछ सामान रखे हुए हैं जैसे ऑयल्स भी हैं और हेयर स्टाइलिंग में आने वाले स्प्रे एंड कुछ उस तरीके के ही सारे सामान हैं। और इसे हमने छोटे से बड़े क्रम में अरेंज किया, यानी बाहर छोटा सामान है और फिर बड़ा लगाया। इस वाली किट पर हमने कुछ परफ्यूम्स लगाए हैं जेंट्स एंड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। और साथ में यहाँ पर हमने छोटा सा ज्वेलरी किट रख दिया है, यदि आपका कोई छोटा मोटा सामान हो तो आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर अगेन आपको एक छोटा सा ज्वेलरी किट फिर मिलेगा जिसे कुछ भी सामान पड़ा ना रहे, छोटा मोटा कोई भी सामान हो तो आप इसमें रखते हैं फटाफट से। अब आती है बारी ड्रॉज की। तो ये है वो मेन ड्रॉज जिसमें सारा सामान रखा रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना लाइन से कुछ इस तरह से बैग्स रखे हुए हैं। सबसे जो साइड का है इसमें हम कुछ भी जैसे आपको पार्टीज में या कहीं भी अचानक से जाना है तो कुछ इंटीमेट ज्वेलरी यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखते हैं जो आपको सडनली पहननी हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बैग मिलेगा। इस बैग में क्या है, इस बैग में आपको बच्चों के जो काफी सारी एक्सेसरीज होती है उनकी हेयर्स की और वैसी वो मिल जाएगी। और इसके बाद आपको एक और पाउच मिलेगा जो दो पार्ट में सेपरेट है। इसमें आपको कुछ लिपस्टिक वगैरह मिल जाएंगी, मेकअप ब्रशेस मिल जाएंगे एंड एक और हमने बैग रखा हुआ है बच्चों की ही इसमें एक्सेसरीज हैं चिमटी वगैरह। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर आज एक मेन पॉइंट दिखाती हूँ। क्या होता है ना ये वाले जो ब्लैक टिकटो पिन होते हैं या बच्चों के जो डेली के पिन्स होते हैं ये ऐसे पड़े रहते हैं जिसकी वजह से पूरा बिखर जाता है आपने देखा होगा। तो आप इस तरह से इसे अरेंज करके रख सकते हैं, स्पेस भी कम लेता है
और जब आपको अचानक से चाहिए तब भी मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ये बाउल मिलेगा, एक ये मिलेगा। इसमें हम अपने सारे जैसे ये बनाना क्लिप्स हैं या फिर क्लचर है डेली में यूज़ करने के लिए, इसमें हम कई सारे रबर बैंड्स रख लेते हैं देखो, जिससे वो टाइम पर इजीली मिल पाए। तो इस तरह से ये दो लगाए हुए हैं एंड ये दोनों ही जो है ना, ये आई थिंक घड़ी का है एक, और ये भी किसी इसी तरह से प्लास्टिक का एक कप या मग है जो रीयूज किया है हम लोगों ने, रिसाइकल किया है। सारे के सारे जो कॉम होंगे वो आपको इस तरह से खड़े हुए मिल जाएंगे साइड से। एंड यहाँ पर एक बैंगल बॉक्स है। अब चलते हैं इस किट की तरफ। तो ये क्या है, ये मल्टी पॉकेट किट है। मल्टी पॉकेट किट का एक फायदा ये रहता है कि आप अलग अलग सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपको डेली में पेन चाहिए या ये वाले रबर बैंड चाहिए, तो ये रबर बैंड हमने एक पेपर पर लगा कर रखे हुए हैं। उसी के साथ यहाँ पर हमने पिंस भी रखे हुए हैं। तो देखो आपको पिन ढूंढने में ना परेशानी नहीं होगी, अचानक जाना है। बिंदी का पत्ता डेली के लिए ऊपर रखा हुआ है, लिप बाम रखा हुआ है, ठीक है। अब खोलते हैं इस किट को। ये मल्टी पॉकेट है जैसा कि मैंने आपको बोला, इसमें कई सारी पॉकेट्स हैं। तो इसमें ये है मेरे कुछ बिंदी के पत्ते यहाँ पर, इसके बाद एक मिरर है और ये कुछ छल्ले हैं जो ऐसे पड़े रहते हैं, तो मैंने एक साइड सेपरेट इसको रख दिया जिससे जब भी मुझे ढूंढने हो तो अलग से ना ढूंढने पड़े। इसके बाद ये कुछ ट्यूब्स हैं एंड कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए पिंपल विम्पल निकल आए फेस पे, तो ये इस तरह से अलग अलग पोर्शंस में इसमें सब कुछ रखा हुआ है। और आप चाहें तो इस मल्टी किट में यदि आप अपना मेकअप भी अरेंज करके रखना चाहते हैं ना, तब भी आप इजीली रख सकते हैं। देखो यहाँ फाउंडेशन रखने, इसमें आप काजल मस्कारा वगैरह रख सकते हैं, इसमें अपने सारे लिपस्टिक्स रख सकते हैं। जैसे आपके तीन चार लिपस्टिक हैं, आप इस पॉकेट में लिपस्टिक रख लें, इसमें काजल मस्कारा और आई मेकअप का सामान रख लें, इसमें फाउंडेशन फेस पैक और कॉम्पैक्ट वगैरह इस तरह से रख सकते हैं। सो ये वाला किट बहुत यूजफुल रहता है, छोटी सी जगह पर आ जाता है। एंड इस तरह के पाउचेस तो बच्चों के पेंसिल बॉक्स में भी मिलते रहते हैं। सो आप बहुत इजीली, बहुत क्लीनली और जब भी आपको ज़रूरत हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है कि पिंस की, हेयर पिंस की होती है डेली में, एक इस चीज़ की होती है। एक रात को सोते टाइम आपको रबर बैंड चाहिए होता है सारी लेडीज़ को, और कॉम तो डेफिनेटली हर किसी को ही चाहिए, तो कॉम अपनी जगह पर रखा होना बहुत ज़रूरी है। सो ये था हमारा छोटा सा एक अरेंजमेंट, आपको कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू।